तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ नहीं झूठ, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? फिर किसके बारे में सोच रही हो? हाँ मैं अपने बारे में सोच रही थी। एक ही तो बात है। हाँ ज्यादा गलत फहमियां मत पालो, मुंह के बल की रोके। तो फिर ये बताओ कि इतनी रात गए तुम इस छत पे क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर यहां आती हूँ। रात को जब बाबा रियाज करते हैं तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदल कर हमारी तकदीर बदल देते हैं, मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं। और अगर किसी दिन तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ चले गए तो मैं इन तारों को नोच लूंगी, लट पड़ूंगी इनसे। मेरी तकदीर में इनको वही लिखना होगा जो मैं सोचती हूं। आप तकदीर को मानते हैं? तकदीर को मानता हूं, मैं तकदीर पढ़ भी सकता हूं। सच? हाँ तो फिर पढ़ो। ये तो हिंदुस्तानी रिवाज है, हाथ देखकर तकदीर पढ़ना। हम इटली के लोग पैर देख के तकदीर पढ़ते हैं। अच्छा हुँ। तो फिर ये लो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत। पढ़ो। और आपके पैर आपको बहुत जल्द गुदगुदी हो रही ना, मुझे भी इधर बहुत जल्द प्यार की खातिर सात समुंदर पार ले जाने वाले हैं। अच्छा कहाँ? मद्रास, कलकत्ता, बिहार, लंदन, इटली। यू आर गोइंग टू इटली? जंगली। ओह आई एम अ डेड मैन। वो देखो टूटा तारा। आपने भी कुछ मांगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? माँ कहती है टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अब शगुन होता है। माँ बहुत याद आती है ना? बहुत दूर जो है। और बाबा? बाबा मेरे बहुत करीब है। और गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी?